हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप जीएस क्लासेस जो हम यूट्यूब चैनल पे चलाते हैं। आप लोगों की तरफ से बहुत डिमांड आई थी कि सर आपने जो मैप याद कराया था वो तो दिमाग में चिपक गया, अब आप कुछ रिवर्स की भी ऐसी ट्रिक समझा दो कि वो दिमाग में चिपक जाए। तो आज मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ, ऐसी कहानियां लेके आया हूँ जिनको सुनने के बाद बेटा जिंदगी भर भूलोगे नहीं। जब तक जिंदा हो ना तब तक बुढ़ा नहीं जाओगे, तब तक बीमारी नहीं हो जाएगी दिमाग में भूलने की, तब तक ये ट्रिक नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी मेरी है। मेरी गारंटी एकदम सॉलिड होती है, वो आप जानते हो। तो आज हम रिवर्स की ट्रिक समझेंगे, रिवर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन जनरल भी पता होना चाहिए सबको, और नहीं पता है तो एग्जाम में जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो पता ही होना चाहिए। वो चीज आज हम डील करेंगे। वो डील करने से पहले एक 2 सेकंड का टाइम लूंगा मैं आपका, और ये बोलूंगा कि जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हो कैटलिस्ट को लेके, जैसे कि आप लोग जानते हो हम लोगों ने अभी ईपीएफओ का 3,000 रुपए में और यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का फुल कोर्स 16,000 रुपए में लॉन्च किया, तो काफी लोगों को तकलीफ हो गई है, काफी लोगों को टेंशन हो गई कि सर ये कैसे कर दिया, मत करो, फीस बढ़ाओ, ये और वो, और नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो उन लोगों को मेरी तरफ से सिर्फ एक छोटी सी एक पॉइंट है, एक स्टेटमेंट मैं कहना चाहता हूं, इसको प्यारी सी चेतावनी समझ लेना कि मेरे पास या कैटलिस्ट की टीम के पास जो सपोर्ट है ना वो स्टूडेंट्स का, जेन्युइन स्टूडेंट्स का, सच्चे स्टूडेंट्स का सपोर्ट है। वो देखना है ना अगर आप, तो ये जो कमेंट सेक्शन होता है ना, ये जो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस आते हैं उन पे लाइक डिसलाइक का रेशियो देख लेना, ठीक है। जो बच्चे है ना वो दिल से सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम दिल से काम करते हैं। ये जो मेहनत पे कर रहा हूं ना, ये मेहनत मैं घर पे बना के इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा एम था, जो मैंने प्रॉब्लम झेली थी ना अपने टाइम पे, वो मैं किसी और को झेलने नहीं देना चाहता जो उस स्टेटस पे खड़ा है, जिसके पास ना तो पैसा है लेकिन पढ़ने का दम रखता है, उसके लिए मैं कर रहा हूं। तो आप लोग जो ये नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हो ना, क्योंकि आप लोग टेंशन हो गई बहुत लोगों को, तो वो मत करो, ठीक है ना। अगर दम है तो कंटेंट पे एफर्ट मारो और कंटेंट लेके आओ, शानदार है ना। और एक चीज और मैं बता दूं कि मेरी टीम के किसी भी इंसान को कोई भी अगर धमकाएगा तो फिर वो चीज अच्छी नहीं होगी, मैं फिर से बता दे रहा हूं। क्योंकि मैं बता रहा हूं हमारे पास जो सपोर्ट है ना वो बच्चों का सच्चा सपोर्ट है, वो आलतू फालतू सपोर्ट नहीं है कि भैया मैंने कहीं से सपोर्ट खरीद लिया हो, मेरे पास सपोर्ट रियल सपोर्ट है, ठीक है। तो उस चीज पर ध्यान दो और कंटेंट पे वर्क करो, ना कि इन सब चीजों पर। और मेरा क्या फंडा है ना, मेरे को तो मैं तो रोड पर खड़े होकर पढ़ा दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जो पैसा है ना वो मैं अपने और जगह से कमाता हूँ, मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितना मेरे का खर्चा हो रहा है इन चीजों में, चाहे सर्वर है चाहे ये चीजें हैं। बाकी मेरे पास जिम है, मेरे पे फूड के जो मैं काम करता हूँ वो है, मेरे पास अभी क्लोथिंग का भी शुरू की तो मैं कर लूंगा, उसकी टेंशन मत लो अब, है ना, मैं अपना संभाल लूंगा, अब अपना देखो है ना, और मुझे जो काम करना है वो मुझे करने दो, क्योंकि अब मेरी जिंदगी यही है, यही करूंगा मैं, लाइफ लॉन्ग पढ़ाऊंगा और बहुत सस्ते में पढ़ाऊंगा, जो कर मिले कर लो, अच्छी चीज पढ़ाऊंगा। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। अब हम समझेंगे आज की, भाई सर रिवर याद करा दो, रिवर मैं आपको कहानी के थ्रू याद कराता हूं। मेरी पहली कहानी स्टार्ट होती है 5 भाइयों से या 5 बहनों से, पहले कहानी सुनेंगे फिर रिलेट करेंगे, कान खोल लेना, आंख खोल लेना और दिमाग तो खुला रखना। कहानी को जैसे 5 भाई हुआ करते थे, इन 5 भाई का एक रूटीन था, भाइयों का, ये क्या करते थे, ये रोज चल के झील की तरफ जाते थे, मतलब ये 5 भाई जो थे ये रोज चल के झील की तरफ जाते थे, इनका एक रूटीन था, रोज सुबह उठते थे और चलते हुए झील की तरफ चले जाते थे, झील मतलब ये ऊपर थे ना तो झील है, आप जानते हो कश्मीर में बहुत झील है, तो झील की तरफ घूमते रहते थे, इनका काम था। इन्होंने एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं यार, अब बहुत हम झील की तरफ घूम लिए, रोज चले जाते हैं झील की तरफ घूम के आते हैं, वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना, अब एक काम करते हैं अब साउथ की तरफ चलते हैं। तो इनमें से एक इनका भाई बोलता है, 5 भाइयों का या 5 दोस्त मान लो, 5 भाई ज्यादा हो गए कोई दिक्कत नहीं है, इनका एक भाई बोलता है या दोस्त बोलता है 5ों में से कि यार एक काम कर, साउथ का हमें ज्यादा रास्ता तो पता है नहीं, है ना, तो हम 5ों जाएंगे तो खो जाएंगे। एक मेरा दोस्त है भैरव, थोड़ा दूर रहता है, भैरव मतलब ब्रह्मपुत्र, बहुत दूर रहता है लेकिन उसको ना रास्ते पता है, तो उसको बुला लेते हैं। तो इनमें से उनको भैरव को एक कोई बंदा फोन करता है 5ों में से और कहता है कि भैरव चल यार साउथ को जाना है, तेरे को रास्ता पता है, अपन लोग तेरा खर्चा उठा लेंगे, तू हमारे साथ आ जा, हम तेरे को घुमा के लाएंगे। तो भैरव कहता है ठीक है यार, लेकिन मेरी ये कंडीशन है यार, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरा एक बहुत सच्चा दोस्त है जिसका नाम है याकूब, जब हम साउथ की तरफ बढ़ रहे होंगे तो वो याकूब रास्ते में मिलेगा, वो एक नदी है वहां पे गंगा, गंगा के पास रहता है याकूब, देख रहे हो दिल की दोस्ती है, ठीक। तो याकूब से भैरव कहता है यार मेरी बहुत गजब दोस्ती है और उसके बिना मैं कहीं जाऊंगा नहीं, वो मेरा दिल का यार है एकदम, बचपन से हमारे साथ में रहे, अब वो पढ़ने के लिए गंगा के पास चला गया, वहां पे गंगा एक नदी है वहां रह के वो पढ़ाई करता है, तैयारी कर रहा है यूपीएससी की। तो ये क्या पास कहते हैं ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं तू पूछ ले, लेकिन अगर नहीं चला वो, अगर वो उसने कहा कि नहीं यार मैं बिजी हूं क्योंकि इसके एग्जाम भी आने वाले हैं, किसके, याकूब के, भैरव कह रहा है कि मैं पूछूंगा याकूब से वो चलेगा तो मेरे को सही रहेगा, लेकिन उसके जो दोस्त थे जो 5 दोस्त थे उनमें से कोई एक बोलता है या 5ों बोलते हैं कि अगर वो याकूब तैयार नहीं होता है, अगर वो याकूब तैयार नहीं होता है तो एक लड़का है जिसका नाम है गगन, उसको पूछ लेना, उसको साथ में ले लेंगे, नहीं तो गगन को साथ में ले लेंगे। मतलब अभी सिस्टम ऐसा बन रहा है, 5 भाई हैं, ये 5ों भाई रोज चले जाते थे झील की तरफ घूमने, इन्होंने प्लान बनाया कि हम साउथ जाएंगे, और साउथ जाने समय इन्होंने एक बंदे से पूछा, इसका नाम है भैरव, उस भैरव को पूछा कि यार
तुझे रास्ता पता है, तू हमारे साथ चल। भैरव ने कंडीशन रखी कि मेरा एक दोस्त है याकूब, गंगा के पास रहता है, गंगा नदी के पास, उससे पूछ लेता हूं। तो वो पांच भाई कहते हैं कि अगर यार याकूब नहीं चला तो उस केस में गगन से कह के देखना, गगन को कह के देखना, ठीक है, गगन को कह के देखना। क्लियर हो गया, ठीक। अब ये तो हमारी कहानी हो गई, इस कहानी को हम यहां चिपकाने वाले हैं, ठीक है। चिपकाने से पहले दो चीजें समझ लो, रिवर दो तरीके की क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है हिमालयन रिवर्स और एक होती है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर को डिवीजन करने में एक लाइन खींची हुई है, ये इसके ऊपर वाली जो रिवर है वो हिमालयन रिवर कहलाएंगी, नीचे वाली जो रिवर है वो हमारी पेनिनसुलर रिवर कहलाएंगी। जैसे अगर हम हिमालयन रिवर की बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, तो हिमालयन रिवर्स के अंदर आप कह सकते हो इंडस, इंडस वैली सिविलाइजेशन याद है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालयन रिवर्स कहलाती है, ऊपर वाली रिवर्स, और कावेरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ये सारी की सारी पेनिनसुलर रिवर कहलाती है, जो साउथ की तरफ है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो है हिमालयन रिवर्स, ये हमारे ऊपर वाले दोस्त है, नॉर्थ वाले दोस्त है, और ये साउथ की तरफ घूमने के लिए जा रहे हैं, साउथ की तरफ घूमने के लिए जा रहे हैं, जहां इनको ये जगह मिलने वाली है, या ये हमारी स्टोरी के अंदर पात्र बनने वाले हैं। समझ में आ गया, ठीक है सर। तो इसका मतलब हमारे पास हिमालयन रिवर्स है और हमारे पास पेनिनसुलर रिवर्स है। अब साउथ में जाने से पहले ये जो पांच दोस्त या पांच भाई हुआ करते थे, इनकी स्टोरी करके इनको भी याद कर लेते हैं। ये पांच भाई का मैंने क्या बताया, पांच भाइयों का सिस्टम था, पांच भाई या पांच भाई बहन थे, ये सारे भाई रोज चले थे झील की तरफ, मतलब सारे भाई रोज चले झील पर, बोल सकते हैं ऐसे, पहले बोला था रोज चले जाते थे झील की तरफ, तो सारे भाई रोज चले झील पर। सारे का मतलब यहां पे आ जाता है सतलुज, सारे सतलुज, भाई से आ जाता है बीस या ब्यास, रोज से आ जाता है रवि, रावी नदी, चले से आ जाता है चेनाब, और झील से आ जाता है झेलम। मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई, ये पांच जो अलग अलग छोटी छोटी रिवर्स हैं, जिनमें से एक तो बहुत ही बड़ी रिवर है, इसका नाम है चेनाब, ये काफी तगड़ा इनका दोस्त था, मतलब ये भाइयों में सबसे ज्यादा बॉडी बिल्डर भाई था चेनाब, चेनाब एकदम गजब का भाई साहब है, ऐसा ध्यान रखो। तो ये सारे भाई रोज चले झील पर, सारे सतलुज, भाई से ब्यास हो गया, रवि हो गया, चले से चेनाब, तगड़ा वाला, तगड़ा क्यों बोल रहा हूं समझना, बहुत पानी होता है इसमें। उसके बाद झील पर, झील का मतलब झेलम, ये अपनी कहानी हो गई। ये पांच लोग डायरेक्ट जाते थे कहां पे, झील पर, झील मतलब झेलम, झेलम, ठीक है। इन पांचों को जोड़ दोगे तो एक नदी मिल जाती जिसको बोलते हैं इंडस, इन पांचों को जोड़ दोगे तो एक नदी मिल जाएगी जिसको बोलते हैं इंडस। इसका मतलब ये जो जितनी भी दिख रही है ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, इंडस की। ये पांचों भाई जो हैं, इनके जो फादर हैं वो इंडस है, ऐसे मान लो इंडस फादर है। इसका मतलब ये पांचों भाई का जो पिताजी है वो इंडस है, और ये पांचों भाई चले थे किस पे, झील पर। समझ में आ गया होगा, रोज चले, रोज बोलना, रोज जाते थे, मैंने बोला था रोज सुबह का रूटीन था, रूटीन का होता रोज करना होता है, इसका मतलब सारे भाई रोज चले झील पर। ये याद हो गया, ये पांच हो गए अपने, ये पांचों के जो पिताजी हैं वो है इंदस, ठीक है। अब इन पांचों ने डिसाइड किया कि यार अपने दोस्त भैरव को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि चल भाई तू मेरे को ना साउथ लेके चल, तेरे को रास्ता रास्ता सब पता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैरव से पूछा था, भैरव मतलब ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ये दूर रहता था ना, ब्रह्मपुत्र ये है भैरव। इन्होंने भैरव से पूछा कि भाई ऐसा है साउथ में जाना अपने को, तू बता। तो ये कहता है यार मेरा एक दोस्त है याकूब, मतलब यमुना। मैं सबसे पहले और बाद से कहानी पूरी जोड़ रहा हूं, आपको ध्यान में कौन सी कहां है, फिर एक एक रिवर को उठा के लेक्चर सीरीज के अंदर उन सारी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज भी याद करा दूंगा, सारी कहानियां हैं, छह सात कहानियां, और पूरा चिपक जाएगा दिमाग के अंदर, गारंटी मेरी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा से पूछते हैं या भैरव से पूछते हैं, जो मन चाहे बोल लो, भैरव दोस्त होता है उससे पूछते हैं। भैरव कहता है यार मैं चला तो जाऊंगा साउथ की तरफ, लेकिन मुझे ना मेरा दोस्त है याकूब, मतलब यमुना, याकूब यमुना, वो गंगा नदी के पास रहता है, गंगा ऊपर हो गया उसके, याकूब गंगा के पास रहता है, अंदर तो नहीं रहेगा ना गंगा के, ऑब्वियस सी बात है। तो याकूब जो था गंगा के पास रहता है, गंगा के नीचे है, तो वो उससे पूछ लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं, अगर वो हां करता है तो ठीक है, कहानी ये बन रही थी। लेकिन भैरव बोलता है कि गंगा के पास याकूब रहता है, गंगा हो गया नदी, याकूब हो गया यमुना, उसको पूछ लेते हैं, इतना कवर हो गया। अब देखो, नहीं तो मुझे गगन को कहना पड़ेगा, गगन या गौरव जो मन जाए रख लो, नहीं तो मुझे गगन को कहना पड़ेगा, नहीं यमुना के बाद नहीं से नर्मदा, नहीं से नर्मदा तो से ताप्ती, नहीं तो मुझे से महानदी, उसके बाद गौरव या गगन से, नहीं तो मुझे गौरव मतलब गोदावरी या गगन को कृष्णा कहना कावेरी। मतलब यहां से इतना समझ में आ गया है,
बहरम मतलब ब्रह्मपुत्र गंगा के पास उसका दोस्त रहता था जिसका नाम था यमुना, मतलब यमुना नहीं था याकूब उसका नाम था, यमुना हमें याद रखना है, उससे पूछ लेते हैं बस। उसके बाद नहीं से नर्मदा, तो से ताप्ती, एम से महानदी, जी से गौरव, गौरव का मतलब गगन, गगन का मतलब गोदावरी, या फिर गौरव भी बोल सकते हैं, जो मन चाहे बोलो, नहीं तो मुझे गौरव को से अपने कौन हो गया यहां पे कृष्णा, गौरव को, और फिर लास्ट में कहना, कहना मतलब कावेरी, कहना पड़ेगा। अपने पास सारी नदियां आ चुकी हैं, पांच भाई थे, उन पांचों भाइयों को मैंने अभी आपको याद कराया, सारे भाई रोज चले झील पर, समझ में आ गया था। इंद्रस उनके पाता पिताजी थे, वो फादर थे, उन्होंने ब्रह्मपुत्र से पूछा, सामने थी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र मतलब भैरव, उससे पूछा भाई तेरे को अपने को नीचे जाना है, तो उसने कहा कि चल भाई चलते हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त है याकूब, वो गंगा के पास रहता है, तो गंगा के ऊपर तो रहेगा नीचे तो रहेगा नहीं, मतलब कहने का मतलब गंगा में तो डूब नहीं जाएगा, पास में रहता होगा तो पास में, मतलब गंगा को ऊपर कर दिया, उसको नीचे कर दिया, उसके बाद जाएंगे, अगर वो बोलेगा ठीक है, नहीं तो से स्टार्ट हो जाता फिर अपना नर्मदा ताप्ती महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी को कहना पड़ेगा। हो गई पूरी पूरी रिवर्स याद, हो गई याद, ऐसी होता है, अपना स्टाइल है, अपना गेम है, यही फंडा होता है कैटलिस्ट के अंदर, ऐसी याद कराता हूं चीजें, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सर, रिवर तो सारी पता लग गई कि भैया हिमालयन रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, कहानियां याद हो गई हैं। अब आप ये बता दो कि अब इन रिवर्स को एक एक करके कैसे याद करेंगे, तो आज मैं आपको इंडस का सारा सिस्टम भी याद करा दूंगा, फिर एक एक करके लेक्चर ला के सारे रिवर्स हटवा दूंगा, पेपर में क्वेश्चन गलत करके दिया होंगे, क्योंकि ये जो मेरी कहानियां है ना दिमाग में चिपकती है। इंडस की बात करते हैं, इंडस फादर थे, बड़े थे, इसका मतलब पांच चौ उसी में जुड़ रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये बड़ी सी रिवर, ये यहां से आ रही है चाइना से चलती हुई, उसके बाद पाकिस्तान में बहुत लंबा रास्ता पार करती हुई, फिर जाके ये यहां पे कहीं आके अरेबियन सी से मिल जाती है। इंडस जो है ये बहुत बड़ी रिवर है, काफी बड़ी रिवर में माना जाता है। इसका जो ओरिजिनेशन है, जो स्टार्टिंग है, वो चाइना से होती है। चाइना में एक जगह है टिबेट, वहां पे मानसरोवर लेक है जो फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है, फ्रेश वाटर लेक, वहां से इसका ओरिजिनेशन है इंडस। सबसे ऊपर से स्टार्ट करके एक करके सारे रिवर का ऑपरेशन कर देंगे। इंडस वहां से स्टार्ट होती है मानसरोवर से, कहानी आप पढ़ चुके हो, इंडस के अंदर क्या क्या आ रहा है समझा चुका हूं। मानसरोवर से स्टार्ट होके वो मूव करते करते माउंट ऑफ कैलाश के थ्रू लद्दाख होते होते, कश्मीर की तरफ से लद्दाख की तरफ से आती है ऊपर से, गिलगिट पाकिस्तान वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, वहां से होते हुए पाकिस्तान में कराची पास करते हुए अरेबियन सी से मिल जाती है। ये कुछ इसका फ्लो लेंथ होता है, कह सकते हो कि भाई चाइना से स्टार्ट हुई, उसके लद्दाख पास करते हुए गिलगिट रीजन पास करते हुए सबसे ज्यादा पोर्शन ये पाकिस्तान में रहती है, ऐसे मान लो इनके फादर पाकिस्तान में रहते थे, पार्टीशन में चले गए थे, ऐसे मान के याद कर सकते हो। उसके बाद ये आके अरेबियन सी से मिल जाती है, ठीक है। एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट नहीं है बट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो यांग्से रिवर है, ये आप जानते हो, वर्ल्ड की नाइल है ये भी आप जानते हो, लेकिन पाकिस्तान की ये सबसे लंबी रिवर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही ये रिवर अपना मेजर पोर्शन बिताती है, पाकिस्तान के अंदर ही इसका मेजर पोर्शन है। इसके जो ट्रिब्यूटरीज है मैंने आपको बताया, वो सारे भाई रोज चले झील पर, सीधा था फंडा, सारे का मतलब सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, यही फंडा हो गया, तो याद हो गया था आपको, इंदस में इनके फादर थे। सतलुज की बात करें क्योंकि सतलुज बड़ा भाई है, सबसे पहले आ रहा है, तो वो उसका भी वही ओरिजिनेशन होगा जो कहीं ना कहीं फादर का है, तो ये भी मानसरोवर से ही निकलती है, और मानसरोवर में एक जगह है जिसका नाम है रकास लेक, रकास लेक वहां से निकलती है, और जो बहुत बढ़िया दोस्ती थी किसके साथ, भैरव के साथ, वो सतलुज की थी, ऐसे ध्यान लो, वो इसी की थी सबसे अच्छी दोस्ती, इसीलिए सतलुज ने के ऊपर एक डैम बना जिसको बोलते हैं भाखरा नागर डैम, ऐसे ध्यान रख लो, भैरव तो भैरव था ना, तो भैरव के नाम से भाखरा नागर डैम जो है, याद कराने की ट्रिक होगी, ऐसे मान लो ये सतलुज के ऊपर ही बना हुआ, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। तो सतलुज उसी जगह से हो रही है जहां से उसके फादर आ रहे हैं मानसरोवर, वहां पे रकास लेके वहां से वो निकलता है, उसके बाद वो तिब्बत से होते हुए, वही तिब्बत में चाइना में वो पोर्शन है, वहीं से आते हुए फिर वो डैम बना हुआ उसके ऊपर भाखरा नागर, ध्यान रख सकते हो। ब्यास की अगर हम बात करेंगे तो ब्यास इकलौता ऐसी रिवर है जो इंडिया के अंदर ही ओरिजिनेट होके इंडिया के अंदर ही खत्म हो जाती है, मिक्स हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, यहां से देखोगे तो ये ब्यास है ना, यहीं से ओरिजिनेट हुई और यहां जाके मिल गई सतलुज के अंदर, छोटी सी घूम के मिल गई। इसका मतलब यहां पे जो ब्यास है ये स्टार्ट से एंड इंडिया सतलुज में मिल जाती है, ठीक है। और बीस कुंड या ब्यास कुंड से फ्लो करते हुए स्टार्ट होती है, कुल्लू मनाली होते हुए मिल जाती है, मतलब ऐसे मान लो ये भाई है ना, तो भाई तो साथ में मिलेंगे, और ये बहुत छोटा भाई है ब्यास, ये दोस्त है उसका या भाई मान लो जो मन चाहे, लेकिन छोटा है बहुत, तो ये सतलुज के साथ ही रहता है, कहता है भाई मैं बड़े भाई के साथ रहूंगा, सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले से बहुत बनती है ना, अगर बहुत सारे भाई होते हैं वही फंडा है, तो ये ब्यास बहुत छोटा भाई है और ये मिल जाता है सतलुज के साथ, कहता हम दोनों साथ में चलेंगे भैया। उसके बाद रावी की बात करते हैं, रावी हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास से निकलते हुए पास होते हुए कुल्लू फ्लो करते हुए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स के थ्रू मूव करते हुए आती है, मतलब एक ही इकलौती ऐसी ये रिवर आप कह सकते हो जो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के लाइन बाय लाइन फ्लो करती हुई आती है। तो सारे भाई रोज रावी हो गया,
उसके बाद चेनाब मैंने बताया था भाई साहब, चेनाब बॉडी बिल्डर भाई है, गजब भाई है एकदम, रोड डोले छोले रोज जिम जाके बढ़िया करके ठोक के आता है जिम एकदम, तो चेनाब काफी तगड़ा भाई है, इसलिए इसको बताया था लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इसको आपको ध्यान रखना। और चेनाब क्योंकि लार्जेस्ट है तो ये दो स्ट्रीम से मिलके बनी है एक्चुअली, चंद्र और भाग, चंद्र और भाग से मिलके चेनाब बना, इसलिए लार्जेस्ट और एकदम तगड़ा बनता है भाई साहब। रोज एक इस कंपनी का प्रोटीन लेता है और एक इस कंपनी का क्रिएटिन लेता है, ठीक है, जो जिम जाते हो उनको समझ में आ गया मैंने क्या बोला, अदरवाइज जो नहीं जाते हो वो इतना समझ में आ जाओ कि ये दो लोगों से मिलके बनाए, दो लोगों के बराबर की स्ट्रेंथ इसमें अकेले में है, तो चंद्र और भाग दोनों मिलके चेनाब बनाते लार्जेस्ट। लास्ट में झील, झील कहां है भाई साहब इंडिया में, कश्मीर में, तो ये वेरीनाग कश्मीर से निकलती है, उसके बाद फ्लो थ्रू श्रीनगर होते हुए बुलर लेक, मतलब सिंपल सा फंडा है कि सारी की सारी ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आके अगर मैं आपसे कहूं तो मिलके ट्रिब्यूटरी इन द फॉर्म इंडस बना लेती है। इंडस की और भी कुछ एडिशनल ट्रिब्यूटरीज है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो, जो है जस्कर, स्योक और गिलगिट, वहीं से होते हुए बता रही थी ना, तो ये भी एक ट्रिब्यूटरी छोटी सी। ऑल फाइव ट्रिब्यूटरीज मीट्स टुगेदर, ये सारी की सारी मिल जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद कुछ टाइम तक एक लाइन पर चलती है, एक लाइन तक चलती है, जैसे मैप में अगर आप देखो तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये सारी ट्रिब्यूटरीज आके यहां पे कहीं मिली थी, सारी की सारी आके यहां पे मिली थी और ये कुछ पोर्शन तक इकट्ठी साथ में चल रही है, ये सतलुज यहां से मिली, इससे पहले छोटा भाई ब्यास मिली गया था, फिर रवि यहां से आके यहां मिला, चेनाब भी मिला, झेलम यहां से चेनाब पे मिल गया, इसका मतलब बेसिकली ये सारी की सारी आके एक पॉइंट में मिल जाती है, उसके बाद थोड़े टाइम तक एक लाइन पे चलती है, तो जिस टाइम पे ये एक लाइन पे चल रही होती है, एक लाइन पे चल रही होती है, उसको बोला जाता है पंज हड, पंज मतलब पांच, हड मतलब एक जगह जुड़ गए, पंज हड बोला जाता है, जितने पोर्शन ये साथ में चलते हैं सेम टाइम इन पंज हड, और उसके बाद जाके मेन अपने फादर से मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंदस, और जहां पे ये पंज हड पांचों का ग्रुप इंदस से मिलता है उसको बोला जाता है मिठानकोट। आप जानते हो ये सारे पठानकोट और सारी जगह किधर है, पाकिस्तान में है, तो ये सारी के सारे पंजहड पांचों रिवर पहले थोड़े टाइम लंबे टाइम पे चलती है, उसको बोलते हैं पंजहड, पांचों को इकट्ठा ग्रुप, वो जाके इंदस से मिल जाता है, जिस पॉइंट पे मिलता है उसको बोलते हैं मिठानकोट। एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी रिवर्स आपने अभी देखी है कि सारी की सारी रिवर जो थी ये फ्रॉम द लेफ्ट थी, आपने देखा होगा लेफ्ट थी, अगर वो दूसरी साइड से देखोगे, अगर फ्रॉम द राइट फ्लो देखते हैं पाकिस्तान से इधर आने वाली चीजें देखते हैं, ये सारी की सारी ऐसे मूव करते हुए जा रही है, देखो ये सारी के सारी कुछ ऐसे करके फ्लो करते हुए जा रही है, इधर साइड फ्लो करते हुए जा रही है, ठीक, तो इसका मतलब अगर कोई उधर से इधर आ रही होगी रिवर तो वो उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, तो उधर से इधर आने वाली भी जो इंडस की ट्रिब्यूटरी कहलाती है वहां से आके जुड़ती है, जो हमारे पास नहीं है, जो हमें नहीं भी पढ़नी क्योंकि वो दूसरी कंट्री है, तो काबुल, गोमल और कुरम, ये तीन दूसरी साइड से आती है, फ्रॉम द राइट कह सकते हो आप इनको, तो ये इंडस का पूरा रिवर सिस्टम हो गया, और साथ में अपनी ट्रिक हो गई, सारे भाई रोज चले झील पर, समझ में आ गया होगा। तो भाई दोस्त थे अच्छे खासे, अब जो अच्छा मान लो उनका एक बहुत बढ़िया दोस्त था बहरा, बहरा ने बोला कि मैं चलूंगा साथ में, लेकिन याकूब जो गंगा के पास रहता है उसको ले लेना, नहीं तो मुझे फिर मैंने आपको समझा दिया किसको, गगन को कहना पड़ेगा। पूरी कहानी आपको समझ में आ चुकी है, इसी तरीके से और अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप बता सकते हो, बाकी अगर आप यूपीएससी का जो नया कोर्स हमने लॉन्च किया है उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, 16,000 रुपए फीस है, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ कराया जाएगा, मार्च 2021 तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2021 के लिए, और अगर आप आगे के लिए भी पढ़ना चाहते हो तो एक फाउंडेशन बैच भी है, उसमें भी मार्च 2021 तक 21 वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2022 के लिए क्लासेस कंटिन्यू आती रहेंगी, 20,000 का वो है और आपका 16,000 का ये इंस्टॉलमेंट, दोनों में अलाउड है। सबसे पहले वेबसाइट पे जाना, साइन अप करके आईडी पासवर्ड बनाना, उसके बाद उसी आईडी पासवर्ड से लॉग इन करना, कोर्स पे क्लिक करना, इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, ऑनलाइन पे हो जाएगा, जैसे चाहे वैसे पे कर सकते हो, डायरेक्टली कोर्स ऐड हो जाएगा, कुछ सीट्स बची हैं, एडमिशन ले सकते हो, हमारी टीम तैयार है आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए, आप बस मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो, सीरियस हो तो बिल्कुल आ जाना, नॉन सीरियस हो तो मत आना, क्योंकि वो सीट्स लिमिटेड है, सर्वर लिमिटेड है जिसपे सीट्स हम अफोर्ड कर सकते हैं जो फीस है उसके अंदर, तो जो अगर सीरियस हो सच में करना चाहते हो एफर्ट तो ही उसको ज्वाइन करना, ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक मस्त रहो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE or state services. Kabhi socha hai kyun selection nahi hota hai? Let me tell you, let me give you the basic introduction ki hota kyun nahi hai. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures, what we'll do, we'll complete each and every question in the class, previous year se utha ke expected questions tak, sab kuch hum class mein kar lenge, jitne bhi hamare paas online courses hain, chahe IAS ke liye hain, chahe GATE ke liye hain, chahe SSC ke liye hain, aur jo bhi faculties hain, sare faculties GATE aur IAS toppers hain,
अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा जितना भी फैकल्टीज का, लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उससे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। विजिट द लिंक बिलो, कॉल अस फॉर एडमिशंस। आवर न्यू वर्जन 1.1 इज ऑलरेडी लॉन्च्ड एंड एडमिशंस आर ओपन अंडर ऑल आवर कोर्सेज। थैंक यू।